अटपुला मुगलों द्वारा बनाया गया अंतिम पुल। सिकंदर लोधी के मकबरे से थोड़ी दूर पूर्व में सात मेहराबों वाला एक पुल है, जिसे अटपुला नाम से जाना जाता है। अटपुला मुगलों द्वारा बनाया गया अंतिम पुल है, जो कि पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर्यटकों का भारी जमावड़ा देखा जाता है, खासकर कि सर्दियों के दिनों में लोग सुबह और दिन के समय इस उद्यान की सैर करने ज्यादा आते हैं। इतिहास। इस पुल का निर्माण बादशाह अकबर के शासनकाल यानी सन 1556 से 1605 के दौरान नव बहादुर नामक व्यक्ति ने करवाया था। प्राचीन काल का ये पुल अच्छी देखभाल के कारण आज भी काफी आकर्षक दिखाई देता है। अटपुला के नीचे से निकलकर यमुना नदी पुराने किले तक यहीं से बहती थी। तुगलक कालीन सतपुला, मुगल कालीन अटपुला और बारापुला का नामकरण उनके मेहराबों की गिनती के आधार पर किया गया था। वास्तुकला। अटपुला लोधी उद्यान के पूर्व में सात मेहराबों वाला एक पुल है, जिसे नाले पर बनाया गया है। इस पुल में आठ खम्बे हैं, इसलिए इसे अटपुला कहते हैं और इसके चारों तरफ पेड़ पौधे इसकी खूबसूरती को बढ़ावा देते हैं। इस पुल के बीच फव्वारे और पुल के चारों तरफ पुराने पत्थरों की मेड़ बनाई गई है। उद्यान के बीचों बीच ये पुल उद्यान को एक आकर्षक रूप प्रदान करता है। अटपुला एक मनमोहक पुल। इन स्मारकों के अलावा लोधी उद्यान में कई उद्यान भी हैं, जैसे रोज गार्डन, बैम्बू गार्डन, हर्बल गार्डन आदि। यहाँ आप इन ऐतिहासिक स्मारकों के साथ साथ प्रकृति से भी पूरी तरह जुड़ पाएंगे। यहाँ पूरे साल अलग अलग तरह के पक्षी भी देखने को मिलते हैं। अटपुला पानी से हमेशा लबालब भरा रहता है तथा इसके चारों ओर पक्षी और उनके चहचहाहट सुनाई देती है, जो कि इस पुल की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। इस पुल में भरे पानी की सफाई समय समय पर होती रहती है। ये दिल्ली यमुना के कारण बसी थी। आज यमुना का भविष्य दिल्ली के हाथ उजड़ रहा है। हमारे शहरी नियोजक ऐसी बातों पर भी विचार करें और इस चिंता में समाज को शामिल करें, तो नदियों के किनारे बसे दिल्ली जैसे शहर आबाद बने रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।